जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जैन पाठशाला। तो मैंने आपको 27 तक का सफर कराया, आज हम कंटेस्ट करेंगे 28 और 29 की। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग ने इस काव्य में आदिनाथ के शरीरातिशय का वर्णन किया है, पवित्र भामंडल एवं आभामंडल की स्तुति भी की है और आगे भगवान के सिंहासन, अशोक वृक्ष, चामर आदि से कंपैरिजन मणि और सूर्य में जैसे प्रकाश निकलते हैं, उसी तरह जब भगवान सिंहासन पर बैठते हैं उसी वैसे ही प्रकाशमय और तेजोमय हो जाता है। तो इसमें भगवान की बहुत कूट कूट कर प्रशंसा की हुई है। तो हम आगे चलें कंठस्थ की ओर। 28वें स्त्रोत्र को सर्व मनोरथ प्रपूरक श्लोक भी कहा जाता है। हर एक लाइन को मैं दो बार कहूंगी, उच्चैर शोक तरुशंश्रित मुन्मयूख, ये आधा न है, मुन्मयूख। उच्चैर शोक तरुशंश्रित मुन्मयूख, मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम, मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम, स्पष्टोलसत किरणमस्त तमोवितानम, स्पष्टोलसत किरणमस्त तमोवितानम, बिंबम रवे रिवपयोधर पार्श्ववर्ती, बिंबम रवे रिवपयोधर पार्श्ववर्ती। अब पूरा पैराग्राफ दो बार कहेंगे, उच्चैर शोक तरुशंश्रित मुन्मयूख, मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम, स्पष्टोलसत किरणमस्त तमोवितानम, बिंबम रवे रिवपयोधर पार्श्ववर्ती। अब मेरी राग में राग मिलाएं आप भी मेरे साथ, उच्चैर शोक तरुशंश्रित मुन्मयूख, मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम, स्पष्टोलसत किरणमस्त तमोवितानम, बिंबम रवे रिवपयोधर पार्श्ववर्ती। इसे नेत्र पीड़ा विनाशक स्त्रोत्र भी कहा जाता है। मैं हर एक लाइन को दो बार कहूंगी, मेरे पीछे पीछे उच्चारण करें। सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे, सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम, बिंबम वियद विलस दंशुलता वितानम, बिंबम वियद विलस दंशुलता वितानम, तुंगो दयाद्रि शिरशीव सहस्त्र रश्मे, ये आधा स और त्र, सहस्त्र रश्मे। अब दो बार कहें, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम, बिंबम वियद विलस दंशुलता वितानम, तुंगो दयाद्रि शिरसीव सहस्त्र रश्मे। अब राग में गाएं, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे
विभ्रजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफी हद तक कंठस्थ की और प्रैक्टिस करके अपनी शुद्धता का भी क्लियरेंस कर लिया होगा और जो जो सीखना चाहते हैं उन्हें भी कंठस्थ हो गया होगा। मैं मेरे पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आप सब तक मैं इजीली वे से आपको सिखाऊं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं हर बड़े वर्ड को भी मैं पढ़ना सीख जाऊं करके। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए इस बेल आइकॉन को भी प्रेस करना न भूलें। मैं और एक आपसे विनती करना चाहूंगी कि आपके आजू बाजू जो भी सीखना चाहते हैं उन्हें वक्ता मन में रस आता है तो आप उन्हें भी प्रोत्साहन करें और आपके साथ उन्हें भी आप सिखाएं। मैं अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत करूंगी 30 और 31 श्लोक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।